न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी डिस्टर्ब मिलेगी, आपको माइटोटिक एक्टिविटी भी इनहांस मिलेगी, सेल्स का काउंट भी ज़्यादा मिलेगा और डिफरेंट तरह के सेल्स मिलेंगे. दिस इज व्हाट हैपेंस इन ग्रेड थ्री एंड ग्रेड फोर इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी. ये भी बूढ़े लोगों के अंदर प्रेजेंट कर रहा होता है. कौन सी दो ग्रेड हैं जो अर्ली एज में प्रेजेंट करते हैं? नेम देम. यंग एडल्टहुड में या चिल्ड्रन वन एंड टू. ग्रेड थ्री बूढ़े लोगों में, ग्रेड फोर सभी बूढ़े लोगों. ठीक है, इसकी लोकेशन लिखी हुई है और मैं आपको दिखा देती हूँ. ये नजर आ रहा है? नाउ यू कैन से दिस इज नॉट अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड ट्यूमर. फैला हुआ है, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है. यू कैन कॉल दिस ग्रॉस स्ट्रक्चर पे ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेन मैटर भी लिक्विफाई हो गया इस लेजन की वजह. कोई बाउंड्री डिफाइन हो रही है इसकी? ये इनफिल्ट्रेटिंग यस इनवेसिव स्ट्रक्चर नजर आ रहे, नॉट रिजेंबलिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर. नॉर्मल एनाटॉमी देखो इधर और इधर देखो. दिस इज बेसिकली हाउ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मस लुक्स लाइक. आपको इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं. सिस्टिक डिजनरेशन, हेमरेज, सॉफ्ट येलोइश कंसिस्टेंसी, वो आपके सामने अभी दिख रही होगी. ऐसे लग रहा है जैसे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हुई थी और होती भी है इसके अंदर ब्रेन मैटर के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर और इनफिल्ट्रेटिंग. और हेमरेजिक लेजन क्यों होगा भाई? ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को, मेरा ख्याल है पिछले कुछ लेक्चर में भी दिया है, हेमरेज क्यों नजर आता है ट्यूमर के अंदर? बिकॉज ट्यूमर जो होता है उसके अंदर नियोवैस्कुलराइजेशन और वैस्कुलर इरप्शन साथ साथ चल रही होती है. वैसे वीक होती हैं, वैसे बन भी रही होती हैं, वैसे रप्चर भी हो रही होती हैं, उसकी वजह से आपको हेमरेजिक मैसेज नजर आ रहे हुए थे. बस इतना पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, बाकी कल पढ़ेंगे. लिक्विड एंटीकोएगुलेंट यहाँ तक जितना मैंने बताया कुछ कुछ समझ में आया? 100% तो नहीं आया होगा, लेकिन कुछ कुछ. ये बड़ी ना मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये स्लाइडें इकट्ठी की हैं. सीएनएस की इतनी स्लाइडें मिलती भी नहीं है, कुछ स्पेशली नहीं मिलती. बहुत मेहनत से लेक्चर घूम घूम के में से कुछ स्क्रीन शॉट्स लगाए हैं, कुछ वैसे ही जो है स्लाइड ढूंढी हैं, कुछ करके मैनुअल्स में से जा फिर ये लेक्चर में. हेमरेज वाला पॉइंट बेसिकली ट्यूमर जो होता है उसके अंदर वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, माइटोटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, हिसाब से बहुत ज़्यादा.